राम राम, नमस्कार, जय गौ माता। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब 4-5 दिन हुए होंगे, जो मेरी एक गाय है बिच्ची नाम की, आपने काफ़ी वीडियो में देखा भी होगा। तो हुआ यूँ कि बाद में उसका मुझे पता लगा था कि वो कोई रात में या कहीं बैठी होगी किसी समय, तो शायद किसी गाय का खुर या बछड़ी का, क्योंकि उसके जो बिच्ची गाय है उसके थन थोड़े बड़े हैं, तो वो ऐसे बैठी होगी पसर के, तो कोई बछड़ी का ऐसे कोई हल्का सा खुर लग गया एक थन के। तो हालांकि उसे बाहर से देखने पे तो कोई घाव नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये वो क्या है कि दबाव लगने की वजह से उसमें हल्की सी सूजन आ गई और अंदर दर्द हो रहा था। तो वो मुझे पता तब लगा कि शाम को क्या कि मैं दूध निकालने के लिए बैठा, मैंने जैसे ही दो थनों का दूध निकाला और फिर उसमें उस थन में हाथ डाला दूध निकालने के लिए, और जैसे ही दबाया तो एकदम उसने पाँव उठाया और एकदम उचकी, मतलब उसको दर्द हुआ। तो क्योंकि वो गाय इतनी है मेरे प्रति सिद्धी के, मतलब उसके नीचे होकर निकल जाऊँ या इधर से उधर नहीं हिले वो, और दूध निकाल रहा हूँ एकदम वो उचकी, तो मुझे लगा भी कुछ न कुछ है। तो फिर वापस मैंने एकदम थन छोड़ा और वापस हाथ डाला, हल्का सा धीरे दबाया तो उसको दर्द हो रहा था, तो फिर जैसे तैसे करके मैंने उसका दूध तो धीरे 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 जैसे उसको मतलब वो सहन करने योग्य था उसके लिए उतना ही दबाया और करके, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दूध निकालने में और उसका दूध निकाला। तो ऐसे में अगर मित्रों आपकी गाय के साथ में ऐसा कुछ हो जाए, जैसे बाहर से कोई घाव नज़र न आए और हल्की सूजन हो या फिर थन, मतलब पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि कारण यही है, तो ये एक इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, ये घरेलू उपचार है और काफ़ी कारगर है। मैंने ये अभी अभी किया है तो मुझे मतलब 2 दिन में मेरी गाय वापस पहले जैसी ठीक हो गई। तो उसमें पहले ये आपको ज़रूर पता करें कि भाई यही कारण है, किसी खुर की वजह से या थन दब गया है या उसके ऊपर कोई ऐसा मतलब चोट लग गई है तो उस वजह से। तो अब इसमें क्या करना है कि आपके हर किसी के घर में ये चीज़ें मिल जाती है, तो सबसे पहले तो क्या करेगा, अपने देसी गाय का घी, देसी गाय का घी है वो थोड़ा सा ले ले अपने, एक थन के चाहिए कितना चाहिए, मतलब हमारे जैसे मारवाड़ में यहाँ एक वो उसका जो घी की जो पात्र उसमें रखते हैं उसमें वो निकालने की होती है छोटी सी चम्मच टाइप, उसको टीपरी बोलते हैं, तो घी की एक आध टीपरी ले ले आप, मतलब उसमें आ जाता है 10-15 ग्राम घी, तो वो ले ले आप। और उसमें क्या करें, हल्का सा तवे पे उसको गर्म करें, और पिसी हुई हल्दी आपके हर किसी के रसोई में रहती है तो पिसी हुई हल्दी एक चम्मच वो ले ले, छोटा सा टीस्पून वो ले कर उसमें घी के साथ में मिक्स कर दे और दोनों को एक साथ में गरम कर ले, गरम इतना करे कि भाई जैसे मतलब सहन करने योग्य हो, गुनगुना, और थोड़ा हल्का गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, उतना सा गर्म कर ले। और उसके बाद भी क्या, अब थन एक ऐसी जगह है वहाँ आप पट्टी नहीं बांध सकते, क्योंकि अगर दूसरी जगह कोई पाव वगैरह है कुछ है तो वहाँ पे क्या आप पट्टी बांध सकते हो, लेकिन थन पे तो पट्टी बंधेगी नहीं क्योंकि वो पट्टी ठहरेगी भी नहीं वहाँ पे। तो अब ऐसे में क्या करना है कि उसको ले जाके जो गाय का थन है उसके ऊपर आप उसको मतलब जो ये मिक्सचर है हल्दी और घी का उसको आप अच्छी तरह से चुपड़ दे, और गरम गरम, ध्यान रखना ये ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और हल्का गुनगुना होना चाहिए ताकि वो उसमें आप उसको चुपड़ दे। और ये 2 टाइम करेंगे ना आप, जैसे शाम को लगा दिया आपने और दूसरे दिन आपने धीरे धीरे हल्के से दूध निकाल लिया, और उसके बाद में आपने जैसे दूसरे दिन सुबह भी आप लगा दे, तो मतलब शाम तक तो ऑलमोस्ट 80-90% फ़र्क पड़ जाता है, और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा समय लेके एकदम 100% ठीक हो जाता। अब इसमें क्या कि अब ऐसा इस टाइप की जगह अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो अगर आप देखें तो अपन डॉक्टर को बुलाते हैं, एलोपैथी की अगर इलाज करें तो उसमें क्या कि डॉक्टर ज़्यादातर तो या तो लगाने का जो ऑइंटमेंट है यानी जो मसाज की दवाई है ये देता है, या फिर एंटीबायोटिक की इंजेक्शन लगाता है, इसके अलावा दूसरा कोई इलाज है नहीं, यानी दर्द मतलब दर्द के इंजेक्शन वगैरह जो दर्द निरोधक है वो ही देता है,
इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर क्या है कि उसमें क्या टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, मतलब 6-7 दिन धीरे धीरे उसकी सूजन उतरती है और फिर उसमें वो दर्द ख़त्म होता है। तो ये जो काफ़ी रामबाण और काफ़ी मेरा आजमाया हुआ घरेलू एक नुस्खा है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल में सपोर्ट करो और आप सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। राम राम। जय गौ माता मित्रों।